हम सबको एक साथ एक परिवार की तरह रहना चाहिए जतिन। ये तो पॉसिबल ही नहीं। राइट ऑन द डॉट। मुमकिन नहीं है कि मैं लेट हो जाऊं। अरे तुम दोनों शॉक्ड क्यों लग रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ? वैसे खुशी कहाँ है? खुशी अंदर अपने कमरे में आराम कर रही है। एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी से मिलने। अपनी? मेरा मतलब है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारी बेटी हो या मेरी। अगर आज मेरी बेटी खुशी होती तो वो भी इतनी बड़ी होती है ना सुरभि? इस आदमी के साथ? सुरभि, तुम इस आदमी के साथ जाना चाहती हो? जतिन, वो ऐसे है इसीलिए जाना चाहती हूँ उनके साथ। जानना चाहती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। ये भी जानना चाहती हूँ कि कल रात जब लाइट गई थी तो वो यहाँ आए थे कि नहीं, और अगर आए थे तो क्यों। हाय खुशी। अब आंखें खोलो। जादू भर के लाया हूं इस मुट्ठी में। चूज वन। वाह, मोदक। मोदक नहीं है ये, पप्पा का जादू है। पता है घर पे सुबह पूजा हो रही थी, चुपके से तुम्हारे लिए उठा के लेकर आया। तुम देखना, जब तुम इसको खाओगी ना तो तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफ पेन छू मंतर। खाओ। कैसी मेरी खुशी? थोड़ी सी कमजोरी हो रही है। तो फिर तुम्हें आराम की जरूरत है। You just need a little rest and you'll be fine. तुम देखना शाम तक ठीक हो जाओगी। बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारी मम्मा को काम के सिलसिले से बाहर लेकर जा सकता हूँ क्या? और तुम इस मोटू के साथ तो मैनेज कर लोगी ना? मैं जानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग। नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसे इंटरटेनिंग पापा और कहाँ मिल सकते हैं। उनकी तो बॉडी, अकल, शक्ल सब कुछ इंटरटेनिंग है ना। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। ओके तो फिर चलें? चलें। कहीं प्रोजेक्ट को लेकर कुछ उल्टा तो नहीं चल रहा तुम्हारे दिमाग में? नहीं। चलिए। साहब, पिछले 7 साल से जो बच्ची सुरभि के साथ रह रही है ना, वो वही बच्ची है जिसे मैंने हॉस्पिटल से किडनैप किया था। आपकी बच्ची खुशी। मेरे पास ही बैठे थे। ये हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं? कहीं और जा रहे हैं। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? दरअसल हम बेलापुर जा रहे हैं। बेलापुर? लेकिन आपने तो कहा था कि हम कल्याण जा रहे हैं। हाँ, कहा तो था, पर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं सोच रहा हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को बेलापुर शिफ्ट कर दूँ, और अगर वो भी जगह पसंद नहीं हो तो फिर कल कहीं और चलेंगे देखने के लिए। बहुत सारी जगह है अपने महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। करेंगे, प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। आप इस प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं। कर रहा हूं, क्या करोगे इस बारे में? क्या करोगे? सुरवी, अब इतना वक्त हो गया मेरे साथ बिताए हुए। मन में ढेर सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे पूछना चाहता हूँ। आप ये ठीक नहीं कर रहे कार्तिक। जी इंस्पेक्टर साहब। जी वो मैं किडनैपर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब। जी वो 7 साल पहले वाला केस, मेरी बेटी की किडनैपिंग का केस। जी मैं चाहता हूं कि उस केस को आप बंद कर दीजिए। जी मुझे हाल ही में पता चला कि मेरी बच्ची का जो किडनैपर है वो असली मुजरिम नहीं है। असली मुजरिम तो कोई और है। जी जो किडनैपर की आड़ में छुपा बैठा। आप खुद ही सोचिए, जब हमें ये नहीं पता चला कि असली मुजरिम कौन है तो हम किसे ढूंढेंगे। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप इस केस को बंद कर दें। कार्तिक, आप इस केस को बंद कर रहे हैं? हाँ, बंद कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? बीते हुए कल का बोझ अपने सर पे लेकर नहीं घूम सकता। तुमने भी तो निकाल के फेंक दिया ना। कर लेना एक नई जिंदगी शुरू जतन के साथ। तुम्हारा सही है, ना कोई पुलिस का लफड़ा, ना कोई टेंशन। अब तो केस भी बंद हो गया, सारी टेंशन ओवर। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मूव ऑन करना चाहता हूँ। पिछले 7 साल से जो बच्ची सुरभि के साथ रह रही है ना, वो वही बच्ची है जिसे मैंने हॉस्पिटल से किडनैप किया था। जतिन और मेरी बेटी है ना। तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ये कौन सी जगह है? आपने तो कहा था कि हम साइट पर जा रहे हैं। साइट पर ही हो। काफी पुरानी जगह है, मेरे दोस्त का होटल था। काफी समय से मुझको बोल रहा था कि इस जगह को खरीद लो, पर मैं इस जगह में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, जब मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मुझे लगा कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये क्या कर रहे हैं आप? और क्या ड्रामा ये सब? ड्रामा? कोई ड्रामा नहीं कर रहा मैडम, मैं एक्चुअल में तुम्हें साइट दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो हम कहीं और चलकर देख लेते हैं, पर मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। काम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगा यहाँ पे। देखो कितना सन्नाटा है। सी, दूर दूर तक यहाँ सुनसान जंगल के अलावा और कुछ नहीं, ना कोई बात करने वाला और ना ही कोई सुनने वाला। तो एक काम करते हैं, इस जगह को तुड़वा कर अपना नया कॉम्प्लेक्स खड़ा करते हैं। ऑलराइट, आओ तुम्हें जगह दिखाता हूँ। जगह दूसरी है तो प्रेजेंटेशन भी नहीं बनानी पड़ेगी। बस कार्तिक बहुत हो। क्यों कर रहे आप ऐसे? हाँ, क्यों आप बार बार मेरी जिंदगी में तूफान ले आते हैं? मैं जानती हूँ कि कल रात को भी आप ही आए थे मेरे घर पर। आप ही ने फ्यूज निकाला। खुशी ने देख लिया था आपको। कार्तिक, क्यों आए थे आप खुशी से मिलने जब मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ मेरी बेटी है? आपका कोई वास्ता नहीं है कार्तिक उससे। क्यों आप बार बार हमें ऐसे परेशान करने चले आते हैं? क्या बोल रहे हो सुरभि? मैं तुम्हें परेशान करता रहता हूँ। मैं तुम्हें क्यों परेशान करूंगा? होता कौन मैं तुम्हारा? कार्तिक, दूर रहिए मुझसे। क्या कर रहे हैं आप ये? जाने दीजिए मुझे। नाइस परफ्यूम। अभी तक मेरा फेवरेट परफ्यूम अपने बदन से समेट के रख दिया। मुझे जाने दीजिए कार्तिक। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों परेशान करते रहते आप मुझे? छोड़िए। ऐसा क्या किया मैंने बोल? ऐसा क्या गलत किया है तुम्हारे साथ जो तुम इतना चिल्ला रही हो? इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया। जब मैंने थप्पड़ मार के तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया था, तब इसका बदला लेने के लिए मेरी खुशी के किडनैपर को अपने घर में तुमने छुपा लिया था। हाँ, हेलो अंकल, मैं रोहित, खुशी का फ्रेंड। खुशी है क्या? एक मिनट। हाँ, ये लो, रोहित का फोन है। हेलो रोहित। खुशी, मेरा भी बहुत मन हो रहा है तुमसे मिलने का। तुम आ जाओ नहीं फिर बड़ा मजा आएगा। मैं भी ना लेटे लेटे बोर हो गई हूँ। मेरा भी मिलने का बहुत मन कर रहा है। एक मिनट, मैं पापा से पूछती हूँ। पापा, रोहित मुझे अपने घर बुला रहा है, आप चलोगे मुझे लेकर? हाँ, क्यों नहीं। एक काम करो, पहले नाश्ता खत्म कर लो, उसके बाद जाएंगे। रोहित, पापा ने हाँ बोल दिया। मैं आ रही हूँ। ओके, बड़ा मजा आएगा। रोहित, क्या हुआ? उस कार्तिक मामा ने कहा है कि खुशी घर पर अकेले बहुत बोर हो रही है, इसलिए मैं उसे बुलाकर उसके साथ खेलूं और खुशी आ रही है। ये हाई फाई। सासू माँ, हम सुबह से आपको देख रहे हैं, आप बड़ा ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नहीं मतलब ऐसी क्या खास बात है, जरा हमें भी तो बताइए। अब क्या बताऊं प्यारे, अब तो खुद ही सोच। कार्तिया ने रोहित को बोला कि खुशी को फोन करके इधर बुलाने को। हाँ काय को मंजे, रोहित को भी तो भेज सकता था ना वो खुशी के घर पे खेलने को, पर नहीं, कार्तिया को मालूम है खुशी बीमार है, उसके बावजूद उसने खुशी को घर से बाहर बुलाया। बस एक बात जान ले, आज गारंटीड कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।